नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विजयदशमी के दिन राजपुताना एकता मंच का दूसरा स्थापना दिवस व मिलन समारोह मुंबई के कांदिवली में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई, महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश के कई जाने माने ठाकुर समाज के लोग उपस्थित थे। साथ ही स्थानीय विधायक योगेश सागर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। राजपुताना का भी एक संगठन होना चाहिए, खास करके हमारे चार पर कांदिवली में। तो आज दूसरा जो साल हमने मना रहे, इसमें उपस्थित हम सभी के बीच में कार्य सम्राट, विधायक, नगर विकास मंत्री, माननीय हम सभी के नेता योगेश सागर जी, उत्तर प्रदेश के धरती से जो चलकर राजेश सिंह जी के साथ में आए हुए हैं। राजपुताना एकता मंच का आज यहाँ पर उनका वार्षिक सम्मेलन है। आज विजयादशमी है, राजपूतों का, क्षत्रियों का विजयादशमी से बहुत नज़दीक का संबंध है। सारे विजय जो इतिहास ने नोंद हुए हैं, वो सारे युद्धों के विजयों में क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए मैंने आज उनको इस कार्यक्रम में शुभकामनाएं दी है कि सारे युद्ध जो क्षत्रियों के द्वारा लड़े गए और क्षत्रियों के हिस्से से लड़े गए, उन सभी युद्धों की नोंद इतिहास ने ली है। तो आप इतिहास के लिखने वाले नहीं हैं, इतिहास के रचने वाले लोग हैं। एक क्षत्रिय समाज की एक विशेषता रही है इस देश में, तो मैंने उनको इसकी अग्रिम शुभकामना दी। दशहरा की भी और दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी है। पॉलिटिकल युद्ध भी शुरू है सर, तो उसमें क्या लगता है? पॉलिटिकल युद्ध शुरू है तो पॉलिटिकली तो वो बहुत मैच्योर है, राजनीति उनके खून में है, क्षत्रिय समाज के खून में। उनके बच्चों को राजनीति सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने पारिवारिक जीन्स से राजनीति सीख करके आते हैं। तो हमने आज इसको पॉलिटिकली कोई स्वरूप नहीं दिया है, कोई पॉलिटिकली आह्वान नहीं किया है। समझदार समाज है, उनको जो देश हित में काम करता होगा, जो विकास के लिए काम करता होगा, जो सब समाज को साथ में लेकर के काम करता होगा, उनके साथ पूरा समाज, क्षत्रिय समाज खड़ा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजपुताना एकता संघ जो है, इसकी स्थापना ही विजयदशमी के दिन हुई थी। पहली सभा उनकी हुई थी, इसलिए अपने स्थापना दिवस के अवसर पर ये दूसरी सभा उन्होंने आयोजित की है। एक समाज जो अपने लोगों को एकत्रित करके उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का जो एक अच्छा सा प्रयास कर रहा है, उसके लिए उनके संस्थापक अध्यक्ष भाई संजय सिंह जी और उनके तमाम साथियों का खूब खूब अभिनंदन। उन्होंने बहुत सुंदर उपक्रम अपने हाथों में लिया है। क्या कहना चाहेंगे तमाम अतिथि आए भैया ने शुभकामनाएं? संजय भाई आइए ना। योगेश भाई को, संजय सिंह ठाकुर का, जो उत्तर प्रदेश की धरती से चल के आए हुए हमारे नरेंद्र सिंह जी मंत्री और हमारे विधायक योगेश सागर जी जो कुछ देर पहले अभी यहाँ से गए, ये हमारे राजपुताना एकता मंच का ताकत है। जो हम लोगों ने अगले साल इसको स्थापना किया था, ये दूसरा वार्षिक ये है। हम लोग चाहते हैं कि सभी समाज को एक साथ में जोड़कर और हम अपने समाज को भी उसमें अपना स्थान मिले और उनको एक तरफ हम लोग लेके जाएं। काफ़ी अच्छा आपने बताया राजपूतों की जो इतिहास, जो बच्चों को नई पीढ़ी है उनको सब इतिहास नहीं बताया जाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं कहूँगा मैं अभी, सभी अपने भाइयों से, माताओं बहनों से यही आग्रह करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि अपने बच्चों की परवरिश करते समय जो संस्कार देने की बात हमारे यहाँ परंपरा में, उस संस्कार में अपने देश के गौरवशाली इतिहास और देश की माटी के लिए जो लोग कुर्बान हुए हैं उनके इतिहास के बारे में जब बताएंगे तो निश्चित रूप से उनके परिवार का और उनके बच्चों का भविष्य भी गौरवशाली होगा। क्योंकि जब वो अपनी परंपराओं को जानते रहेंगे तो उसको ध्यान में रख के जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उनकी रुचि भी माँ भारती के वैभव को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी, जो देश के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। आपके प्रवक्ता भी है, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल भी बना हुआ है, किस तरह की राजनीति देख रहे आने वाले दिनों में, जो देखिए राजनीति की बात करें, चुनाव की बात करें तो कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 220 पार है, सारा मामला ख़त्म है। बड़ी भारी बहुमत के साथ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार फिर से महाराष्ट्र में बनने जा रही है और आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार के मदद से देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से मिलने वाले हैं कि जब तक देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर राजनीति करते रहेंगे
इस प्रदेश की राजनीति में लगातार एक मुख्यमंत्री की स्थिति में स्थापित हो गया। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं पार्टी का बिल्कुल ही एक शिस्तबद्ध कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के ने मेरे लिए और दूसरा काम निश्चित किया है। पार्टी ने मुझे कहा कि अभी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको दूसरा काम करना है, तो मैंने सहर स्वीकार कर लिया। और अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू को आपने सुना होगा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ मुझे मुख्यमंत्री बना के रखें, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे कह देंगे दिल्ली चले जाओ मैं दिल्ली चले जाऊँगा, और अगर कह देंगे कि अपने घर नागपुर बैठ जाओ तो घर बैठ जाऊँगा। पार्टी अगर मुझे कह देगी संजय ठाकुर तुम अपने घर बैठ जाओ तो मैं घर बैठ के पार्टी का काम करूँगा, कोई नाराज़गी नहीं मुझे। और मैं अपील करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं इस देश के और महाराष्ट्र की भलाई के लिए, उन सब उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए महाराष्ट्र की जनता। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा महाराष्ट्र की जनता। दशमी के दिन ये मेरा दूसरा स्थापना दिवस है राजपूताना एकता मंच का, और राजपूताना एकता मंच में हमने उद्देश्य इस उद्देश्य से किया है कि इसमें भी बहुत से अमीर नहीं हैं, इसमें भी गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी शादी ब्याह छोटे का करना और दहेज प्रथा को जड़ से खलास करने का मैं संकल्प लिया हूँ, और उसके साथ साथ और सभी जोड़ों को बैठाने का भी काम राजपूताना एकता मंच करेगा। इसी उद्देश्य से और इसके वजह से, और हमारे संजय भैया हैं प्रवक्ता बीजेपी के, इनका हमको बराबर मार्गदर्शन सहयोग मिलते रहता है। हमारे संजय सिंह जी हैं, इनका भी मार्गदर्शन मिलते रहता है, और गोविंद जी जो हमारे पत्रकार में एकदम चर्चित रहते हैं, उनका राजपूताना एकता मंच से बराबर मार्गदर्शन मिलता है। हमारी महिला बीना सिंह जी हैं, वो बराबर महिलाओं के लिए एकदम तत्पर हैं, पूरे अग्रसर हैं और आगे खड़ करके वो काम कर रही हैं। ऐसे ही मैं सोच